चुनावी भागमभाग खत्म होने के बाद अब प्रत्याशी भी कुछ रिलैक्स हो पाए हैं। सोमवार को दिनभर भागदौड़ के बाद मंगलवार को सांसद और अकबरपुर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले पूरी तरीके से आराम के मूड में नजर आए। सुबह देर से सोकर उठे तो उसी समय कुछ कार्यकर्ता पहुंच गए। कार्यकर्ताओं से बातचीत और वोटिंग का रुझान जानने के बाद दोपहर में भोले ने फिर आराम किया। शाम को अपने केंद्रीय चुनाव कार्यालय पहुंच गए। चुनाव बीतने के बाद भोले के चुनावी कार्यालय में अखंड रामायण का पाठ रखवाया गया। इस पर प्रभु श्री राम के सामने नतमस्तक होने के बाद देवेंद्र भोले ने पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश राय के साथ विधानसभा वार मीटिंग का कैलकुलेशन किया और फिर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि पूरी तरीके से मस्त और रिलैक्स हैं। उनका दावा है कि अकबरपुर लोकसभा में इस बार 4 लाख से ज्यादा वोटों से उनकी जीत होगी। देखो एकदम मस्त हूँ। सुबह आराम से सोके उठा, मालिश कराई, 1-1.5 बजे नहाए, बच्चों के साथ बैठे रहे। अभी अभी कार्यालय आया हूँ तो मुझे कोई अब तनाव नहीं है। चुनाव में भीड़ भाड़, लोगों से मिलना जुलना, इसमें शांत। जो लोग सुबह आ गए 4:23 नहाने में देर हुई। रामायण का पाठ भी रखा गया है। रामायण का पाठ तो हमारे संयोजक जी और यहाँ हमारे कार्यालय देखते थे। ये बिना बाधाओं के किसी तरह की शांतिपूर्वक मतदान हो, ये लोकतंत्र का पर्व है। तो इन लोगों ने रखा तो मैसेज भी आया, मैंने देखा तो मुझे भी खुशी हुई कि भगवान का श्री राम का पाठ हो रहा है। कितने वोटों से जीतने की? पिछली बार में कितने जीता था? 2,82,000 जीता था। अब की बार 4 लाख से ऊपर जीतेंगे, कोई दो राय नहीं है। आप 4 जून को आइए, बहुत मस्ती के तरीके से दिवाली और होली दोनों दशहरा एक साथ मनेंगे।